हे गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अजय शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लेट्स लर्न विद एके। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन। देखिए, ये वीडियो देखने से पहले आपको जो क्लास 11th का चैप्टर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि मेरा फंक्शन क्या है, तभी आपको समझ आएगा कि मेरा ये फंक्शन क्या है। तो जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इसी का ही पार्ट है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो मैं डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की कैसे निकालता हूं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज बोथ फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो आपके जेई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग विथ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, मुझे कुछ इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए, मुझे कुछ इनइक्वालिटीज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि देखिए कि अगर मैं लिखता हूँ कि x square is greater than equal to 9, x square is greater than equal to 9, तो यहां जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या होंगी। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना चाहूं तो हम कैसे सोल्व करेंगे, है ना, इसका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सो देखिए प्यारे बच्चों, x square is greater than equal to 9, इट मीन्स x square minus 9 greater than equal to 0, ठीक है ना। जो आपका 9 था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। सो आई विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी आप इनइक्वालिटी को सोल्व करते हो ना, जब भी हमें कोई इनइक्वालिटी सोल्व करनी होती है, मैं नंबर लाइन का यूज करता हूँ, मैं नंबर लाइन का यूज करता हूँ। देखिए, अगर ये सिंपली क्या होता, अगर ये मेरा इक्वालिटी होता एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 3, तो मैं क्या लिखता कि एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड आइदर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो मेरा यहाँ से वैल्यू मिल जाती है एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है ना। बट इन दिस केस इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि मेरा ऐसा आंसर आप नहीं निकल पाएगा आपका, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे करते हैं, हम नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। सो मैंने एक नंबर लाइन लिखा। अब क्या करोगे आप कि जो आपकी जो इनइक्वालिटी है ना, उसको एक बार इक्वालिटी मान के सोल्व करो, उसको एक बार इक्वालिटी मान के सोल्व करो एंड ये पता लगाओ कि ये मेरा इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मान लिया एंड यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगी, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। सो व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग इज आई एम फाइंडिंग दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, एंड इन्हीं को बोलते हो आप क्रिटिकल पॉइंट्स। सो बेसिकली मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि जो आपकी इनइक्वालिटी है उसको 0 मान के आप करो, ठीक है, 0 मान लो उसको, इक्वल टू 0 करो, ठीक है, फिर वहां से मेरा x का वैल्यूज मुझे मिल जाएगा। सो आई विल प्लॉट दीज टू पॉइंट्स, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 3, सो x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 3, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो लाइन थी आपकी, नंबर लाइन थी, ये तीन इंटरवल में ब्रेक हो गई है, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल एंड तीसरा इंटरवल, तीन इंटरवल में ब्रेक हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो आपका x इक्वल्स टू 3 है ना, इसके इधर कोई पॉइंट अज्यूम करना है, कोई भी आप अपनी मर्जी से पॉइंट मान लो। सो इधर क्या पॉइंट होगा आपका, 4 होगा। अब मैं इस 4 को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो चलो करो, 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 1 इंटू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मेरा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
यस, मतलब कि ये जो आपका पॉइंट है x इक्वल टू 4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. सो आई विल पुट हियर इक्वल, या फिर इसमें टिक लगा दूंगा मैं. यहां तक ठीक है. अब क्या करोगे आप कि माइनस 3 एंड 3 के बीच में कोई भी जो ऐसा पॉइंट है उसको मैं पुट करके देखूंगा कि वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो जस्ट पुट इसके इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है मेरा x इक्वल टू 2. सो नाउ आई विल पुट x इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन एंड चेक वेदर दिस इज सेटिस्फाइंग और नॉट. सो 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर. नाउ माइनस 1 इंटू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या आपका माइनस 5 जीरो से बड़ा होता है? नहीं होता ना. इट मीन्स यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, रॉन्ग. बात समझ आ रही है? अब तीसरा, इस इंटरवल के लेफ्ट साइड में कोई भी आप पॉइंट लिखो. सो इसके लेफ्ट साइड में आपका पॉइंट क्या हो सकता है? माइनस 4. सो नाउ आई विल पुट दिस पॉइंट हियर. सो माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यू विल हैव माइनस 7 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस माइनस प्लस हो गया. तो क्या आपका 7 0 से बड़ा होता है? होता है ना 0 से बड़ा. सो यहां पे क्या लग जाएगा आपका? टिक. क्लियर है? अब बच्चों मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, बट चलो कोई ना, अभी हम लोग डिस्कस देख लेते हैं एक बार. देखिए अगर मैं x की वैल्यू ऐसे, देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि जो आपकी x की वैल्यू है ना वो इन दोनों के बीच में है, मान लेता हूं कि जो x की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी है और 3 से बड़ी है, तो इसको आप इंटरवल में कैसे लिखेंगे? इसको आप इंटरवल में कैसे लिखेंगे? देखिए सो माइनस 3 और यहां चेक कीजिए, यहां पे इक्वालिटी है ना, तो इक्वालिटी का मतलब है वहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे. एंड यहां भी इक्वालिटी है तो मैं यहां भी क्या लिखूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा. ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं. लेट सपोज वी हैव माइनस 3 यहां. तो अगर मैं यहां पे बात करूं प्यारे बच्चों, तो इस बार क्या नहीं है? इस बार इक्वालिटी नहीं है ना, यहां इक्वालिटी नहीं है ना आपकी, और ना ही यहां इक्वालिटी है. तो इस बार जो मैं इंटरवल बनाऊंगा ना, इस बार जो मैं इंटरवल बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा? इस वाले ब्रैकेट से बनाऊंगा. ठीक है, जहां आपकी इक्वालिटी हो वहां आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जहां इक्वालिटी नहीं हो वहां आप सिंपल ये वाले ब्रैकेट लिखेंगे. क्लियर हुआ? अब मान लीजिए माइनस 3 ऐसा है, तो बताओ कैसे लिखोगे आप? इस बार क्या है कि जो माइनस 3 है ना उस साइड मेरा इक्वल है, तो मैं माइनस 3 की साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा एंड जो आपकी 3 है उस साइड में मैं सिंपल ब्रैकेट. नाउ द लास्ट वन इज, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? फिर आपका माइनस 3 पर सिंपल ब्रैकेट एंड 3 पर आपका क्लोज ब्रैकेट. ये बात समझ आई सबको? अब देखो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा फंक्शन है ना, जो भी मेरा फंक्शन है वो x इक्वल्स टू माइनस 3 वैल्यू लेगा, x इक्वल्स टू 3 भी वैल्यू लेगा, और इन दोनों के बीच में जितने भी आपके रियल नंबर्स है ना वो भी उस x की वैल्यू उसमें पुट अप कर सकते हैं. अगर मैं इसकी बात करूं माइनस 3 से 3, सो इसमें क्या है कि माइनस 3 से तो आपको बड़ा होना चाहिए एंड 3 से छोटा कोई भी नंबर रियल नंबर हो वो आप इसमें पुट कर सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन है ना उसको सेटिस्फाई करेगा. बट माइनस 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा एंड 3 भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा. यहां क्या है कि जो आपका ये माइनस 3 है, जो आपका माइनस 3 है उस पर तो मेरी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, बट 3 पर वैल्यू आपकी नहीं आएगी. इसमें माइनस 3 पर नहीं होगा एंड 3 आपका इंक्लूड होगा. तो ये बात समझ आई? ये तो आपने शायद 10th में भी पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैंने रिवाइज करवाया आपको. देखिए दूसरी चीज कि अगर मैं कहने कहीं लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 9 से बड़ी कोई भी वैल्यू आपकी पॉसिबल है. सो 9 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे हमेशा सिंपल ब्रैकेट लगता है, और यहां क्या है इक्वलिटी का साइन है ना, सो देयरफॉर आई विल पुट स्क्वायर ब्रैकेट. क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है x इज लेस देन माइनस 3, सो इस बार क्या होगा
कि जो आपकी x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, माइनस थ्री से छोटी वैल्यूज पॉसिबल है। सो माइनस थ्री से छोटी क्या, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा आपका, माइनस थ्री तक जाएगा। इस बार जो आपका यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे मेरा सिंपल ब्रैकेट होगा। मान लीजिए वी हैव लाइक दिस, तो इस बार क्या बनेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी का साइन है। तो ये बातें भी आपको क्लियर होगी, अब आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। सो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा था, ये आपका नहीं कर रहा था, और ये आपका सेटिस्फाई कर रहा था। तो मैं इसका इंटरवल कैसे लिखूंगा, इसका इंटरवल में मैं कैसे लिखूंगा, देखिए, तो इस साइड क्या होगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी होगा। सो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, क्या आपका ये माइनस थ्री वैल्यू लेगा, बताओ माइनस थ्री वैल्यू लेगा क्या, यस yes, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैक, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इसलिए माइनस थ्री पर मेरा ये वाला इंटरवल, ये वाला क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे यूनियन, यूनियन फिर थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक। सो आई विल राइट दिस एज थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या थ्री वैल्यू ये इंक्लूड करेगा, क्या थ्री वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगा, यस yes, सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। सो थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड इन्फिनिटी पर तो हमेशा आपका सिंपल ब्रैकेट लगता है। सो दिस इज क्लियर नाउ, चलिए अब देखो, मान लो हमारे पास ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन नाइन, तो इस बार क्या होगा फिर आपका, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो, एंड यू विल हैव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे फाइंड करते हैं कि आप जो इनक्वालिटी दे रखी है उसको इक्वल टू जीरो मान लो। सो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, मेरे पास दो पॉइंट आएंगे। देखो अगर मुझे इसको शो भी करना है ना, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, आप सॉल्यूशन को ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है। बट इस बार देखिए बच्चों, यहां पे मेरा इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब कि माइनस थ्री वैल्यू नहीं लेगा एंड प्लस थ्री भी वैल्यू नहीं लेगा। सो इस केस में हम लोग करते हैं इसको इस वाले सिंबल से शो करते हैं, अगर सेट, अगर वो वैल्यू ले तो वहां पे हम लोग डार्क बनाते हैं, अगर वैल्यू नहीं ले तो उसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कोई वैल्यू थ्री से बड़ी वैल्यू रखता हूं, सो फोर रखो मान लो, तो फोर माइनस थ्री वन, वन इंटू वन पॉजिटिव, सो दिस विल टेक दिस वैल्यू, ये वैल्यू नहीं लेगा और ये वैल्यू आपका ये लेगा। सो जो मेरा सॉल्यूशन है वो हमेशा किस साइड होता है, पॉजिटिव वाला, जहां मेरा टिक राइट का साइन आया ना, वो वाला मेरा सॉल्यूशन होता है, क्लियर है। तो चलिए इनको लिखते हैं अब। सो इस साइड क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी सर माइनस थ्री, क्लियर है, माइनस थ्री वैल्यू नहीं ले रहा, सो यहाँ पे मेरा ओपन ब्रैकेट, ओपन वाला या फिर सिंपल ब्रैकेट होगा, यूनियन थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक, बात क्लियर भी, इज इट ओके बच्चों। चलिए नाउ हम बात करते हैं कि तीसरे टाइप के क्वेश्चंस, तीसरे टाइप की इनइक्वालिटी क्या है, फिर मैं आपको ये इनइक्वालिटी के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि आप देखते ही साथ कैसे उसका एक्स का वैल्यूज या फिर एक्स का इंटरवल फाइंड करें। चलिए नाउ देखते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नाइन, सो दिस विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू जीरो, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, सो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो इन इक्वालिटीज हैं तो मुझे नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे मुझे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे कि जब मैं इस इन इक्वालिटी को इक्वल टू जीरो करूंगा, मतलब कि जो आपकी इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन नहीं बोलूंगा मैं, इन इक्वालिटी बोलूंगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका एक्स का वैल्यू क्या आएगा, थ्री, एंड दूसरा वैल्यू माइनस थ्री, सो माइनस थ्री एंड थ्री, यहां तक क्लियर है। अब हम लोगों क्या करना है,
अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 वैल्यू लेगा, क्या ये माइनस 3 वैल्यू लेगा। तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ आपका इक्वालिटी साइन है, सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 वैल्यू लेगा और ये माइनस 3 भी वैल्यू आपकी लेगा, क्लियर है। इसके बाद क्या करना होता है कि इस साइड का कोई एक पॉइंट आप इसमें पुट करके देखना है, बीच का कोई पॉइंट पुट करना है और यहाँ का भी कोई पॉइंट आपको पुट करना है। सो लेट्स पुट एक्स इक्वल्स टू 4, सो 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो क्या मेरा 7 लेस देन 0 है, नहीं है, तो ये वाला इस बार आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। मतलब कि 3 से मेरा इस साइड भी कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इनइक्वालिटी को। चलिए नाउ माइनस 3 से 3 के बीच में कोई पॉइंट रखते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग 2 पुट कर रहे हैं इसमें। सो 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, देन माइनस 1 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू 0। क्या मेरा माइनस 5 0 से छोटा है, यस yes, मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो मैंने यहाँ पे राइट का टिक लगा दिया। अब इससे इस साइड देखते हैं, सो लेट्स टेक एन वैल्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, सो माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या मेरा 7 लेस देन 0 है, नहीं, सो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग हो गया। अब मेरा जो सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन क्या होगा आपका, राइट वाला हमेशा सॉल्यूशन होता है ना, सो राइट कहाँ पे है, माइनस 3 से 3 के बीच में है। तो इसको मैं इंटरवल में कैसे लिखूंगा, देखिए माइनस 3 से 3 यहाँ पे क्या है, क्लोज, माइनस 3 वैल्यू लेगा ना, तो मतलब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, एंड 3 भी वैल्यू ये लेगा, सो मैं यहाँ भी क्या लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। तो ये मेरा एक्स का वैल्यू हो गया, बात क्लियर है, क्लियर। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो अंतर क्या होगा आपका, ओनली यहाँ पे मेरा क्लोज इंटरवल ना आके ओपन इंटरवल आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मेरा सिंपल ब्रैकेट, क्लियर है। तो ये चार फंक्शन आप समझ गए होंगे, आया समझ। अब देखते हैं हम लोग इसका डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे। देखिए लेट सपोज कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, ठीक है। ये चार आपके जो हम लोगों ने पढ़े वही हैं। अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब आप कैसे ध्यान रखोगे कि मेरा जो आंसर आएगा ना वो बड़ा आंसर आएगा या फिर ज्यादा आंसर आएगा, ज्यादा या फिर बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। यहां भी क्या है, ग्रेटर का साइन है ना, ग्रेटर का साइन है मतलब कि जो मेरा बड़ा वाला वैल्यू है, बड़ा सा इंटरवल आएगा इसमें भी, बात समझ आई, ट्रिक है ये, है ना। ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 है, इसका मतलब ही क्या है, यहां पे लेस का साइन है ना, मतलब कि यहां पे छोटे वाला इंटरवल आएगा, छोटा, और यहां भी क्या है, लेस का साइन मतलब छोटा मुझे लिखना है, बात समझ आई। अब देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, अगर मैं इसको ऐसे डील करूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3 आएगी ना, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, और मुझे कौन सा लिखना है, बड़ा वाला लिखना है। सो मैं कैसे लिखूंगा इसको, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, यहां पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, आया समझ। देखो मुझे बड़ा इंटरवल लिखना है ना, तो बड़ा इंटरवल आपका ये ऐसे बनेगा, बड़ा इंटरवल ऐसे तो बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब अगर मैं ये लिखना चाहूं, क्या देखिए अंतर क्या है, ओनली यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब कि जो ये 3 और माइनस 3 वैल्यू ये नहीं लेगा, सो ओनली डिफरेंस विल बी इन द थ्री से इन्फिनिटी, बात समझ आई।
अब हम लोग इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, ये छोटे वाला मतलब जो मेरा छोटा इंटरवल बना था ना वो मुझे लेना है। तो छोटा इंटरवल क्या बनेगा आपका, माइनस 3 से 3 वाला बनेगा ना छोटा इंटरवल, माइनस 3 से 3। अब मुझे ये देखना है कि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा कि स्मॉल ब्रैकेट होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना है इक्वालिटी है, सो इट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 मीन्स माइनस 3 से 3, क्लियर है। और यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है मतलब सिंपल ब्रैकेट, ये बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करना इसको। मान लीजिए वी हैव एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, देखो यहां पे रफली लिख लो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको इक्वेशन मान लूं तो मेरे पास x की वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस माइनस 9 आएगी ना। और यहां पे क्या है, ग्रेटर का साइन मतलब मुझे बड़ा वाला चीज लिखना है इसमें, तो बड़ा वाला चीज कैसे बनेगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9। यस, यहां पे इक्वालिटी का साइन है, सो मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 9 से इन्फिनिटी, बात समझ आई, ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है। चलिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, तो बताओ लेस का साइन है मतलब छोटे वाला लिखना है मुझे, एंड देखिए यहां पे एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी मेरे पास, माइनस 5 एंड प्लस 5, तो छोटे वाला लिखना है मतलब कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 5 से 5। अब ब्रैकेट और देख लो, इक्वालिटी का साइन है मतलब कि मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करूं तो कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 81 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। इसके बाद मुझे एक नंबर लाइन में मुझे दो पॉइंट चाहिए, वो कैसे मिलते हैं आपको, कि आप इसको इक्वेशन मान के सोल्व करो एंड वहां से x एंड y x की वैल्यूज फाइंड करो, तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आएगी, माइनस 9 एंड प्लस 9। अब यहां पे इक्वालिटी है मतलब कि जो मेरा इंटरवल होगा वो इस टाइप का होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। अब मुझे इस 9 से बड़ी कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है, तो मान लेते हैं हम लोग इसमें 10 पुट करते हैं, सो 10 माइनस 9 1 एंड 10 प्लस 1 19, तो क्या आपका 19 जीरो से बड़ा है, यस, सो ये टिक हो गया। अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखो आप, तो मान लेते हैं हम लोग पुट कर रहे हैं इसमें 8, सो 8 माइनस 9 इंटू 8 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो माइनस 17, क्या ग्रेटर होता है आपका 0 से, नहीं, सो दिस विल बी रॉन्ग। वैसे ही आप यहां पे पुट करके देखोगे तो ये आपका राइट होगा। तो फिर मैं इंटरवल कैसे लिखूंगा, देखिए राइट वाला इंटरवल लिखना होता है ना मुझे, राइट वाला इंटरवल लिखना होता है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9, माइनस 9 पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को ये लिखना है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ और इनइक्वालिटीज की, वो है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी अगर मेरा ऐसा हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, है ना। और ये सब हम क्या लिख रहे हैं, जब आपका a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, a का ग्रेटर देन 0 होने का मतलब कि जो आपका x स्क्वायर कोफिशिएंट है ना वो आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग पहले डायरेक्ट देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको यहां पे जाना है, ये यहां पे नजर होनी चाहिए मेरा, ग्रेटर का साइन मतलब बड़ा वाला मुझे लिखना है। सो बड़ा वाला में कैसा होता है, ये यूनियन है ना, यूनियन, और यहां पे क्या है, ये इक्वल का साइन है ना, तो यहां पे क्या होगा मेरा, क्लोज या फिर क्लोज इंटरवल या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, सो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ऐसा कुछ होगा मेरा, क्लियर है। अब यहां पे माइनस इन्फिनिटी होगा एंड यहां पे क्या होगा मेरा, इन्फिनिटी होगा। अब मैं यहां और यहां क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा इनके रूट्स, इसके जो रूट आएंगे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो मैं यहां पे और यहां पे
लिखूंगा, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं एक बार किसी एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। मान लीजिए वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट कैसे फाइंड करते हो, चाहो तो आप वो लगा दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, या फिर आप डायरेक्टली इसके फैक्टर्स बना सकते हो तो बना लो। सो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री। तो नंबर लाइन हम अभी डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो नंबर लाइन नहीं बनाएंगे। सो व्हाट विल आई डू कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक, टू पर आपका क्लोज इंटरवल यूनियन थ्री से इन्फिनिटी एंड थ्री पर मेरा क्लोज इंटरवल। डायरेक्ट लिखना समझ आया, ये आया, ये बड़ा वाला है, मतलब मुझे बड़ा वाला नंबर, बड़ी वाली जो थी ना वो लिखनी पड़ेगी। अब मैं कैसे लिखता हूं, माइनस अल्फा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बी से इन्फिनिटी। अल्फा एंड बीटा क्या है, आपके जो ये इक्वेशन है ना, जो आपकी इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, उसके रूट्स, ठीक है ना। इनइक्वालिटी के रूट्स नहीं निकलते हैं, बट आप क्या मानते हो उसको, इक्वालिटी मान के हम लोग इसमें रूट्स फाइंड करेंगे। बात समझ आ गई। अब देखो, अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे बना के देखना हो तो कैसे बनाओगे, वो तो सिंपल सी बात होगी ना कि ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री पे जीरो हो रहा है। तो टू पे भी मेरा क्लोज इंटरवल, थ्री पे भी मेरा क्लोज इंटरवल। अब थ्री से बड़ी कोई वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, मान लो हम लोग फोर पुट कर रहे, सो फोर माइनस थ्री वन एंड फोर माइनस टू वन, दोनों पॉजिटिव, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा एंड ये वाला सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, क्लियर। चलिए नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड टाइप का देखते हैं कि अगर इस टाइप में दे रखा हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, तो सेम वही बातें हैं। यहां पे क्या इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, ओपन इंटरवल होगा इस बार, यूनियन बीटा से, क्लियर। चलिए अब हम लोग थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो हो। तो यहां पे क्या है, लेस देन का साइन है ना, तो लेस का मतलब मेरा छोटे वाला इंटरवल। तो छोटे वाला कैसे बनेगा, देखिए आपका अल्फा से बीटा, यही तो बनेगा अल्फा से बीटा। और यहां पे क्या है, क्लोज इंटरवल, सो आई विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ये ट्रिक समझ रहे हो ना, ये इसको देख के ट्रिक बनी है। देखो यहां पे ग्रेटर मतलब बड़ी वाली वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, मुझे बड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहां पे लेस देन का साइन है, मतलब मुझे छोटा सा लिखना पड़ेगा, छोटा सा इंटरवल। तो अल्फा से बीटा, क्लियर। अगर ये ऐसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, देखिए लेस का साइन मतलब छोटा सा इंटरवल, सो अल्फा बीटा और ओपन इंटरवल, क्लियर हुआ ये बात। तो ये इनइक्वालिटी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमारे डोमेन एंड रेंज निकालने में बहुत ही फायदेमंद रहेगी, ठीक है। चलिए एक दो प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट्स टेक ए क्वेश्चन कि वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसका इंटरवल लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर्स बना लो, तो x माइनस थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे साइन कैसा है मेरा, ग्रेटर का साइन है एंड मेरे रूट्स क्या हैं, टू एंड थ्री इसके रूट्स हैं। ग्रेटर का मतलब मुझे बड़ी वाली वैल्यूज लिखनी है, सो माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए सिंपल ब्रैकेट्स आए हैं। बात समझ आई। अब चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वाड्रेटिक दे रखी है ना, हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो इसके रूट्स क्या होंगे, टू एंड थ्री,
सो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ इस पे देखना है, यहाँ पे क्या है आपका छोटे वाला, सो जो छोटा सा इंटरवल बनेगा वही मेरा क्या होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। सो छोटा सा इंटरवल कौन सा बनेगा मेरा, टू से थ्री एंड इस बार स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आया है, ठीक है। और अगर मुझे इसको पूरे लेंथी मेथड से करना है तो क्या करोगे आप, वही नंबर लाइन पे लिख डालोगे इसको, है ना। और नंबर लाइन पे आप दो पॉइंट्स फाइंड करोगे, वो कैसे फाइंड करते हो कि आप इसको इक्वेशन समझ के सोल्व करो। तो जब मैं इसको इक्वेशन समझ के सोल्व करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यूज आएगी, x इक्वल्स टू टू एंड x इक्वल्स टू थ्री। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चेक करना है कि क्या ये टू और थ्री वैल्यू लेगा, वो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है मतलब वैल्यूज नहीं लेगा, तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, वैल्यूज पुट करके चेक करना है। तो थ्री से कोई बड़ी वैल्यू आप पुट करके देखो, सो थ्री से कोई बड़ी वैल्यू मतलब फोर, तो अगर मैं इसमें फोर पुट करूंगा, सो फोर माइनस थ्री वन इंटू फोर माइनस टू टू, तो क्या आपका दो जीरो से बड़ा होता है, यस, सो दिस विल बी राइट। अब टू से थ्री के बीच में कोई नंबर, तो मैं मान लेता हूं 2.5, सो जब मैं 2.5 माइनस थ्री करूंगा दैट इज माइनस 0.5, क्लियर है। नाउ 2.5 माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस पॉइंट सॉरी 0.5 ग्रेटर देन जीरो। अब ये माइनस और ये प्लस, तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एक नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो क्या कभी भी आपका कोई नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, सो दिस विल बी रॉन्ग। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करो, इससे कोई बड़ा इससे कोई छोटा नंबर पुट करके देखो, क्योंकि इस साइड क्या मेरे छोटे नंबर ही तो होंगे ना, तो वन पुट करके देखो, सो वन माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, यस, माइनस टू माइनस वन कितना हो गया टू, टू इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर दिस विल सेटिस्फाई। अब आपको जो राइट वाला पोर्शन मिल गया है तो आप चाहो तो ऐसे बना दो। अब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, बात समझ आई। अब देखिए, अगर ये मेरा, मैंने जो आपको ये ट्रिक बताई किसके लिए बताई थी, कि अगर मेरा जो ए है दैट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, अगर वो लेस देन जीरो हो, अगर वो नेगेटिव हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन करते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या करना है प्यारे बच्चों आपको, कि जो ये पूरी इनइक्वालिटी है ना, दोनों साइड इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एंड आपको मालूम है जब मैं इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है ना उसका, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसका साइन चेंज होता है, अगर आप प्लस से करते हो तो साइन चेंज नहीं होता, बात समझ आई। जैसे कि देखो, लेट सपोज वी हैव माइनस थ्री लेस देन टू, सही है ना, माइनस थ्री आपका टू से छोटा है, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो माइनस तो ये क्या बनेगा थ्री। अब देखो क्या बन रहा है, जो ये वाला क्या आपका बड़ा आ गया ना, थ्री इज ग्रेटर देन माइनस टू, थ्री इज ग्रेटर देन माइनस टू, तो देख लो जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरा साइन चेंज हो गया ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब तो बहुत ईजी हो गया, छोटे वाला इंटरवल लिखना है मुझे, तो छोटा सा इंटरवल लिखना है, तो ये मैंने इंटरवल बना लिया ऐसे, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, तो इस क्वाड्रेटिक के आपके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स विल बी एक्स माइनस नो, रूट्स क्या होंगे आपके एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस वन, ये रूट्स होंगे ना, तो यहां से मेरे पास क्या होंगे रूट्स, क्या मिलेंगे x इक्वल्स टू फाइव एंड x इक्वल टू वन, सो योर आंसर विल बी फ्रॉम वन टू फाइव, ठीक है ना।
चाहो तो आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब एक टाइप और आ जाता है कहीं कहीं कि अगर मेरा क्या हो, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप इसमें x के कुछ भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ये हमेशा मेरा सेटिस्फाई करेगा। कैसे, मान लेते हैं हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस फोर, सो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन, सो माइनस फोर का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 माइनस फोर प्लस वन विच इज 13। तो क्या आपका 13 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है? सही है। अब मैं चेक करता हूं प्लस फोर के साथ, सो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, सो क्या 21 भी आपको ग्रेटर देन 0 है? यस। तो इस टाइप में क्या होता है कि ये जो आपकी x की वैल्यूज होंगी ना, x की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, दैट मीन्स x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, और आई कैन राइट दिस एज माइनस इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये पहचानोगे कैसे आप, देखिए अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जो आपको इक्वेशन दे रखी ना क्वाड्रेटिक, जो आपकी क्वाड्रेटिक है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो हो, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो हो ना, तब क्या होता है कि जो मेरी एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकता है। देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो बी स्क्वायर इज वॉट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा माइनस 3, एंड माइनस 3 इज लेस देन इक्वल, इक्वलिटी नहीं आएगा यहाँ पे, एंड माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसके जो मेरे रूट्स आएंगे वो कैसे रूट्स होंगे आपके, इस क्वाड्रेटिक के जो मेरे रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? अरे ये तो पढ़ा है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो वी हैव इमेजिनरी रूट्स, वी हैव इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपको ये देखना है कि क्या मेरा डिस्क्रिमिनेंट छोटा है, क्या मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। फिर अगर नेगेटिव है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब कि मेरा कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब मेरा रूट कोई मिलेगा नहीं आपको, कोई आपको रियल रूट नहीं मिलेगा। और मुझे क्या करना होता है, मुझे रियल रूट लिखना होता है ना, इस केस में क्या करते हो आप, बड़ा बड़ा है ना, तो मुझे यहाँ पे यही तो करना होता है, यही करना होता है ना मुझे, बट यहाँ पे तो आपके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे आपके रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सो इस आंसर क्या होगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब कि जो आपकी x की वैल्यू है ना वो कुछ भी पुट कर सकते हो आप, क्लियर है। x विल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, है ना। सो ठीक है, एक टाइप और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करके चेक हो। मान लेते हैं हम लोगों ने माइनस टू पुट किया, तो जब मैं माइनस टू पुट करूंगा तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन माइनस टू, सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव माइनस टू दैट इज थ्री, तो क्या आपका थ्री जीरो से छोटा है? नहीं है ना। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, मेरा एक्स विल बी फाइव, मतलब x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। बात समझ आई? तो देखिए अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, एंड जो आपकी प्रॉब्लम है वो किसकी है, ये प्रॉब्लम है या फिर आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, तो जो मेरा x का वैल्यू होगा दैट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बात समझ आई? समराइज कर रहा हूँ मैं, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो की प्रॉब्लम है, देन योर वैल्यू ऑफ एक्स विल बी दिस, इफ़ योर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन, सॉरी इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, एंड जो मेरी प्रॉब्लम है वो किसकी है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन की प्रॉब्लम है,
तो मेरे पास x की कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। बात समझ आ गई यहाँ तक? सो आई थिंक हम लोगों को यही तक रहना चाहिए। तो बच्चों डोमेन तो हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया, बट फिर भी हम लोगों ने इनइक्वालिटीज के सारा टॉपिक्स देख लिया है। अब यही इनइक्वालिटी अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है ना, तो यही आपका फिर डोमेन में आगे यूज होने वाला है। डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए आपको इनइक्वालिटी ही सोल्व करनी पड़ती है। क्लियर? सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।